हेलो दोस्तों, नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्लीच के बारे में बताऊंगी कि आप जो ब्लीच करवाते हो पार्लर में, तो वही ब्लीच आज मैं आप लोगों को बताऊंगी घर पे करना और नेचुरल तरीके से, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स द्वारा। तो आप लोग जो है पार्लर में जाके ब्लीच करवाते हो तो उसके क्या होता है, आपके डार्क स्पॉट या जो होते हैं ब्लैक हेड्स या ऊपर जो अंदर के डेड होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज भी होती है। जो मार्केट का ब्लीच होता है उससे आपकी स्किन डैमेज होने के कारण आपके ऊपर की जो स्किन होती है बिल्कुल पतली हो जाती है। अगर आप ब्लीच करवाना छोड़ देते हो तो आपकी स्किन की बिल्कुल चमक चली जाती है और आपके पोर्स जो स्किन के खुलते हैं डेड निकलने के लिए, फिर वापस से वो इतना ज़्यादा पोर्स खुलते चले जाते हैं कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा ही आपके चेहरे जो है ढीले होने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती है बिना बेसमय के। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन ब्लीच की बुराई कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है सच में। आप जो लोग करवाए होंगे उनको पता होगा कि आप जब करवाना छोड़ देते हो तो कैसा आपका स्किन लगता है। जब आप बराबर करवाते रहो तो ठीक है, लेकिन आज मैं वही ब्लीच मैं आप लोगों को नेचुरल तरीके से घर पे करना बताऊंगी दोस्तों। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो ब्लीच है हम नेचुरल तरीके से बनाएंगे, तो इसको हम धनिया से बनाएंगे। धनिया द्वारा हम ब्लीच आज बनाएंगे आप लोगों के साथ। तो धनिया के बहुत सारे फायदे हैं। धनिया हमारे जो है जैसे खाने के साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे हमारे खानों में चार चांद लगा देती है, खुशबू बढ़ा देती है, और जो है उसे गार्निश करने में प्रयोग करते हैं, साथ ही भोजन भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी और साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। स्किन में इसमें जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के बहुत अच्छे से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारी स्किन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और जो है पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे जो है तत्व पाए जाते हैं धनिया में, तो जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो आपको जो है आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करेगी, डार्क स्पॉट और ब्लैक स्पॉट को हटाएगी और एक ही बार में आपके चेहरे को काफ़ी अंदर से क्लीन करेगी, और आपके अगर हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या है उसको भी दूर करेगी। तिल जब और मस्से अगर होने लगते हैं तो आपको ये धनिया पत्ते बहुत ज़्यादा ही फायदा करता है। आप अगर तिल हो रहा है तो धनिया की पत्ती थोड़ा सा हाथ में ही मसल के उस तिल पर रखिए, तो आपके जो तिल होते हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ये नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो आज वही हम आप लोगों के साथ शेयर करने चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके ज़रिए आप अगर इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने धनिया ली है, धनिया की पत्ती। तो धनिया पत्ती को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद नींबू के टुकड़ों को तीन चार टुकड़े छोटा छोटा कर लेना है। इसमें आधा नींबू लगेगा। तो हम दो फेस के लिए बना रहे हैं। आप अगर एक ही लोग के लगा रहे हैं तो एक लोग के लिए तो आप थोड़ा कम नींबू लीजिए, आधे का आधा लीजिए। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद छन्नी की सहायता से इसके जूस को निकाल लेंगे, कोरिएंडर और लेमन के जूस को निकाल लेंगे। और लेमन को आपने देखा होगा कि हमने छिलके सहित डाला था, तो छिलका सहित ही डालना है। फिर इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर भी डाल दिए हैं। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स को हम चावल के आटे में मिक्स करेंगे। तो इस प्रकार हमारा फेस पैक रेडी हो गया। ये चावल जो है आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करने में सहायक होगा और आपकी स्किन पर वाइटनिंग और लाइटनिंग लाएगा, काफ़ी फेयरनेस लाएगा। तो इस तरह जो है हमारा फेस पैक बन के रेडी हो गया है। कोरिएंडर आपके जो है चेहरे के तिल मस्सों को भी रिमूव करेगा। तो इस तरह का हमने फेस पैक बनाया है। आपकी पिगमेंटेशन जैसी समस्या हो उसको भी
कोरिएंडर दूर करेगा। तो इस तरह हम अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और नींबू और कोरिएंडर मिलके एक नेचुरल ब्लीच का ब्लीच होता है, जो आपके चेहरे को अंदर से जो है क्लीन करेगा। आपके स्किन पर डार्क स्पॉट सभी समस्याओं को जो है, ये बहुत सारी समस्याओं को से छुटकारा दिलाने वाला ये ब्लीच होगा। तो इस तरह पूरे चेहरे पर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। आपका फेस पैक जो है डिपेंड करता है कि कितने देर में सूखता है, तो इसलिए आप उसको सुखाइए। दोस्तों, हमने अभी वॉश कर लिया ब्लीच को, जो नेचुरल ब्लीच बनाए थे उसको निकाल लिया। आप देख सकते हो कितना क्लीन हो गया और छूने में काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है और स्मूथ सा लग रहा है। तो आप लोग भी एक बार आजमा कर देखिएगा कि कितना जो है काफ़ी क्लीन कर देता है चेहरा एक ही बार में। आप फिर आप देख रहे हो, मैंने चेहरे को पोछा भी नहीं किया, वरना क्या होता है पोछने पे लगता है लोगों को कि मेकअप करके बैठ गई हैं। तो मैंने सामने नहीं धो पाया क्योंकि बहुत सारे पानी लगते हैं धोने के लिए। तो आपको इतना सिर्फ ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं साफ करना, क्योंकि चावल है, चावल आपकी स्किन को जो है डैमेज करेगी, बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे। तो धीरे धीरे आप हल्के हल्के हाथ से थोड़ा एक सेकेंड आप मसाज करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगी तो बस हो गया। तो आपका जो ये नेचुरल ब्लीच है तो यहीं तक क्लीन हो गया। उसके बाद आपको कोई सॉफ्ट फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टोनर लगा लीजिए और जो है आपका चेहरा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ये रही आज की मेरी वीडियो, आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।